हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज़ योर इंग्लिश वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आज की इंग्लिश में हम लोग सीखेंगे अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट मतलब कि उल्टे शब्द। जो शब्द होते हैं उनके विपरीतार्थक शब्द क्या होते हैं उनके बारे में। जैसे कि ध्यान से देखिए आप, जैसे कि बच्चों पहला वर्ड है इन, और इन का मतलब क्या होता है अंदर, और अंदर का उल्टा क्या होगा बाहर, यानी कि इनका आउट, O U T, आउट। फिर नेक्स्ट है ऑफ, ऑफ माने बंद, और बंद का हो क्या होगा खुला, यानी कि ऑन करना, स्विच ऑफ ऑन करते हैं ना जैसे आप, तो हो जाएगा ऑन, O N, ऑन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट गुड, गुड माने अच्छा, और अच्छे का उल्टा क्या हुआ बुरा, यानी कि बैड। कहते हैं ना यू आर बैड बॉय, यू आर गुड बॉय, ऐसे बोलते हैं ना, यानी कि अच्छे का बुरा, बी ए डी, बैड। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है बच्चों न्यू, न्यू का मतलब नया, और उसका नया का उल्टा क्या होगा पुराना, यानी कि ओल्ड, ओ एल डी, ओल्ड। फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है लिटिल, लिटिल का मतलब थोड़ा होता है, छोटा होता है, और छोटे का उल्टा क्या होता है बड़ा, यानी कि बिग, बी आई जी, बिग। फिर देखिए ड्राई, ड्राई का मतलब सूखा, और सूखा का उल्टा क्या होता है गीला, गीले को कहते हैं हम वेट, क्या बोलते हैं वेट, डब्ल्यू ई टी, वेट। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हॉट, हॉट माने गर्म, और गर्म का उल्टा क्या होता है ठंडा, और ठंडा को इंग्लिश में क्या कहते हैं कोल्ड, सी ओ एल डी, कोल्ड। फिर है अप, यू पी अप, अप माने ऊपर, ऊपर का उल्टा क्या होगा नीचे, यानी कि डाउन, डी ओ डब्ल्यू एन, डाउन। ओके, फिर नेक्स्ट है सॉफ्ट, सॉफ्ट का मतलब मुलायम, और मुलायम का अपोजिट क्या होगा उल्टा क्या होगा हार्ड, यानी कि सख्त, और हार्ड की स्पेलिंग है एच ए आर डी, हार्ड। फिर है ईजी, ईजी का मतलब आसान, आसान का क्या होगा कठिन, आसान या फिर कठिन, और कठिन को भी हम क्या कहते हैं हार्ड कहते हैं, ठीक है, एच ए आर डी, हार्ड। नैरो, नैरो का मतलब होता है संकरा, ठीक है, उसका उल्टा होगा वाइड, यानी कि चौड़ा, डब्ल्यू आई डी ई, वाइड। और लास्ट वर्ड देख रहे हैं बच्चों लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब लंबा, और लंबे का अपोजिट क्या होगा छोटा, यानी कि शॉर्ट, एस एच ओ आर टी। तो बच्चों हमने क्या सीखा, अपोजिट वर्ड सीखा, यानी कि विपरीतार्थक शब्द सीखे, उल्टे शब्द सीखे, ठीक है। ये जो भी मैंने आपको करवाए हैं इसे कॉपी में कर लीजिएगा, इनके अलावा भी आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, चलिए अब बुक से भी कर लेते हैं। आप अपनी बुक निकाल लीजिए, ठीक है, बुक में जैसा कि आपको पता है हम लेसन करवाए थे थर्स्टी एनिमल्स, पढ़ रहे थे हम लोग थर्स्टी एनिमल्स, इसके हमने क्वेश्चन आंसर्स कर लिए थे, एक्सरसाइजेस भी कर ली थी सारी की सारी। इसी में देखिए पेज नंबर 64 पर, दिख रहा है आपको पेज नंबर 64 पर, ये क्या दिए हुए हैं अपोजिट सी हैं, अ वर्ड दैट इज अपोजिट ऑफ द वर्ड इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम इट इज अपोजिट वर्ड, यानी कि जो शब्द बिल्कुल अपनी मीनिंग के दूसरे अलग विपरीतार्थक अर्थ होते हैं उनको अपोजिट कहते हैं। जैसे कि वाइल्ड, वाइल्ड माने जंगली, अपोजिट क्या होगा जंगली का पालतू, यानी कि टेम। रिच, रिच माने अमीर, उसका क्या होगा अमीर का गरीब, यानी कि पुअर। आपका डाउन, कॉक का हैन, बिग का स्मॉल, मैन का विमेन, हॉट का कोल्ड, गुड का बैड, और हैप्पी का सैड, ठीक है। मैंने आपको भी समझाया था उन्हीं में से ही वर्ड्स हैं ये, तो आपको ये क्या करना है इन सारे वर्ड्स को अपनी कॉपी में करना है, ऑल राइट। मैंने आपको पहले फाफेली से पहले भी करवाए थे अपोजिट वर्ड, अभी दूसरे अपोजिट वर्ड्स हैं, इनको कर लीजिए, ये आपके एनुअल के एग्जाम्स में आएंगे। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।